एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन लेग मसाला रेसिपी। और इस रेसिपी को आज मैंने पहली बार बनाया है। आई होप कि इस रेसिपी आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए ड्रमस्टिक्स। तो सबसे पहले मुझे इसे मैरिनेट करना होगा, तो मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। अभी इसे 30 मिनट्स के लिए एक साइड में रखना है। कढ़ी बनाने के लिए मुझे चाहिए चॉप्ड अनियंस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप टमाटोस, चॉप करियंडर लीव्स, सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, करियंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो सबसे पहले ड्रमस्टिक्स को फ्राई करना है। जब ये लाल हो जाए दोनों साइड से तब इसे निकाल लेना है। अब ये सेम ऑयल में मैं ऐड करूंगी चॉप्ड अनियन और हल्का लाल होने तक इसे मैं कुक करूंगी। अनियन सभी हल्का लाल हो गया है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट। अभी इसे कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे स्टीर करना है। अभी मैं इसमें एक एक करके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और अभी इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे कुक करना होगा। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब मुझे ऐड करना है चॉप टमाटोज। और अभी इस मसाला को तब तक कुक करना है जब तक कि मैं ये टमाटोज अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए मसालों के साथ। अभी आप देख सकते हैं कि टमाटो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है मसालों के साथ। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी पानी। अभी इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही पकाना है जब तक कि मैं ये मसाला तेल छोड़ दे। अभी ये मसाला तेल छोड़ने लग गए तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा और पानी ताकि चिकन अच्छी तरह से बॉयल हो सके। अभी मैं एक एक करके चिकन पीसेस इसमें ऐड करूंगी। फिर लिड से कवर करके इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करूंगी। अभी 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है। तो अभी गैस को ऑफ करने से पहले इसमें मैं चॉप कोरिएंडर लीव्स ऐड करूंगी। और अभी ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो मेरा आज का रेसिपी चिकन लेग मसाला इज रेडी टू सर्व। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आगे से और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहिए मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।